अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो जैसे कि आपको इंग्रेडिएंट से पता चल ही रहा होगा कि आज हम एक स्वीट डिश बनाने जा रहे हैं। तो जो है ये आज हम बनाने जा रहे हैं मौसम के हिसाब से गजरेला, जिसको गाजर की खीर भी कहा जाता है। तो ये हम गजरेला बनाने जा रहे हैं आज। तो आप इसके इंग्रेडिएंट नोट करें। तो इसके लिए हमने सबसे पहले लिया, ये मैंने पैन में दूध को बॉईल करने के लिए पहले ही से चढ़ा दिया था। ये 1.5 किलो दूध है, इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसके अलावा हमने लिया है 1/2 कप चावल, जिसको मैंने 1 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। उसके बाद मैंने इसको हल्का सा दूध डाल के इसमें इसको ये मैंने ग्राइंड कर लिया है चावलों को। ये देखें, ये इतना बारीक ग्राइंड हो गया है। तो ये 1/2 कप चावल है जिसको मैंने ग्राइंड करके दूध में रख लिया है। ये गाजर है, ये 4 गाजरें हैं जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। ये खोया है, ये भी मैंने 1 कप खोया लिया है। ये 1 टिन मैंने कंडेंस मिल्क का लिया है। और ये हमने ये ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें बादाम और पिस्ता है, इसको भी मैं काटूंगी। तो ये हमने, आप ये अपने हिसाब से ले लें जितना आपको चाहिए हो। और ये केवड़ा एसेंस है, और हमारे पास, सॉरी, मैंने इलायची पाउडर रखना भूल गई हूँ मैं। तो इसके अलावा इलायची पाउडर भी इसमें डलेगा। और ये चीनी है, चीनी हम देख कर डालेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी, क्योंकि हमारा ये खोया भी थोड़ा मीठा है और ये कंडेंस मिल्क भी मीठा है। तो हम ये चीनी ज़रा देख कर डालेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। अब ये दूध हमारे दूध में उबाल आना स्टार्ट हो गया है, तो अब हम इसमें पहले गाजरें डाल देंगे। सबसे पहले हम इसको गाजर को डाल के थोड़ा गाजर को पकने देंगे। वैसे गाजर भी बहुत जल्दी बन जाती है, पक जाती है, गल जाती है। तो बस इसको 5 मिनट हम इसको थोड़ा सा गाजर के साथ पकाएंगे, और उसके बाद हम इसमें चावल ऐड करेंगे। देखिए ये गाजरें थोड़ी पक चुकी हैं। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे जो हमने पीस के रखा हुआ है। हम इसमें चावल ऐड करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने, इसके लम्स ना बने, ताकि, और इसको हम अच्छे से विस्क से हिलाते रहेंगे कि इसमें लम्स ना बने। थोड़ा सा आप डाल के चेक करें, अगर आपको लग रहा है इतना चावल काफ़ी है। वैसे मैंने 1/2 कप लिए थे चावल, मुझे लग रहा है ये 1.5 किलो दूध के हिसाब से ये 1/2 कप भी थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे। मैंने ये थोड़े से रोक लिए हैं, अगर मुझे लगेगा कि ये भी पतला है तो फिर मैं और डालूँगी। इसको अच्छे से विस्क से ही हिलाइएगा ताकि ये इसके लम्स ना बने। ये मैंने पूरा ही 1/2 कप चावल डाल दिए। हमने इसको चलाते रहना है मुस्तकिल, ताकि ये नीचे चावल बैठ ना जाए। जब तक चलाना है, जब तक चावल थोड़े से आपको लगे कि ये पक गए हैं, थोड़े से इसके दाने फूलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब
अब ये देखें, ये चावल भी इसमें पक चुके हैं और गाजर भी पक चुकी है इसके अंदर। तो अब हम इसमें हम खोया ऐड करेंगे ताकि ये खोया भी इसके अंदर ही मेल्ट हो जाए। हमने इसमें खोया ऐड कर दिया है। अब इसके साथ ही हम ये कंडेंस मिल्क भी ऐड कर देंगे। अभी इसमें हमने चीनी ऐड नहीं करनी है, पहले ये खोया भी मेल्ट हो जाए, क्योंकि खोया भी हमारे पास जो था वो मीठा है और कंडेंस मिल्क भी मीठा है। तो अभी हम पहले इसको मेल्ट होने देंगे खोए को, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमें कितनी चीनी डालनी है इसमें। चीनी आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना मीठा जिसको अच्छा लगता है वो उस हिसाब से डाल लें। इस टाइम पे हम ये इलायची पाउडर भी डाल देंगे। ये हमने हाफ टी स्पून इलायची पाउडर डाला है इसके अंदर। में थोड़ी सी चीनी जाएगी। ये भी मैंने हाफ कप से थोड़ा सा कम चीनी डाली है, फिर मैं चेक करती हूँ ये मेल्ट हो जाए, उसके बाद मैं चेक करती हूँ, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम और चीनी डालेंगे, नहीं तो। ये इसकी चीनी भी मेल्ट हो चुकी है और हमने टेस्ट भी कर लिया है, ये बिल्कुल ठीक है इतनी चीनी इसके अंदर। और अब हम इसमें डालेंगे केवड़ा एसेंस के चंद कतरे डालेंगे, इसका फ्लेवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, हमने इसको बहुत ही थोड़ा डालना है, 2-3 ड्रॉप्स के से ज़्यादा ना डालें। थिकनेस इससे ज़्यादा ना रखें क्योंकि ये फिर ठंडा होने के बाद भी थोड़ा सा हार्ड होता है, वरना इसकी थिकनेस अगर ज़्यादा होगी तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो अब मैं इसका चूल्हा कर रही हूँ बंद। अब हमने इसमें ये ड्राई फ्रूट्स डालने, ये मैं आधे बादाम इसके अंदर अभी डाल दूँगी और आधे मैं ऊपर से गार्निशिंग के टाइम पर डालूँगी। हम इसकी सर्विंग करेंगे, डिश में निकालेंगे इसको। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप प्लीज़, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और आप मेरी रेसिपी लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। तो अब हम इसको सर्व करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ।